कलीम में हम सेवे सेवेंटी वन से आज पढ़ेंगे इन शह सेवेंटी सेवनटी वन से आ, है जी के कि बक़ी वाहमा ये फ़ाहिमा नहीं है कोयला नहीं है ये बकी वहमा बच्चा रोया और इस क़दर रोया कि उसकी आवाज़ जो है वो उसके हलक में रुक गई बाज़ मरतों ने देखा होगा छोटा बच्चा जब शिदत से रोता है तो उसकी आवाज़ हलक में इस तरह रुकती है कि दनक़त आशा होता हो हु। जब उसकी आवाज़ मुनकता हो जाती है तो रोने की शिद्दत मुराद है कि ए, वो ऐसे फ़लान बका आ, यानी मसले कमसली बका सभी यो फ़ाहम कि फ़लाँ तो ऐसे रोया कि जैसे बच्चा जो है वो रोता है कि जब उसकी आवाज़ मुनक़ा हो जाती है ये जमाम से हम पढ़ रहे हैं इख्तबारत से और सेवेंटी नंबर एम सी क्यूज़ है तो ये कहा जाता है इसमें कब आसान है आगे है जी कि कमातुदी तुदानु जैसे हम कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे तो उसके लिए दना इधनी से यानी चलने के माना में इसको लिया है कि जैसे हमने कल भी इस इस तरह के काफ़ी पढ़े थे जैसे नाल हमने पढ़ा था सा पढ़ा था तो इसी तरह यहाँ पे भी तो और तुदान है उसके बाद है जी कि मन जदा वजदा जो कोशिश करता है वही पाता है जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है इसी तरह है जी कि फ़िक्र मरारन कि पहले एक बात को बार बार सोचो फिर उसके बाद बात करो यानी बोलने से पहले तोलो ठीक है पहले तोलो फिर बोलो तो फ़िर मरारन सकुल पहले जो है वो सोचो उसके बाद फिर बोलो उसके बाद है जी कि अलसूद ला यसूत कि जो हसद की शिद्दत रखने वाला होता है ना हासद बंदा होता है जब जो किसी से हर वक्त हसद रखता है हसद करता रहता है तो वो ला यसूद तो वो कभी भी बुलंदी के मरातब को नहीं पहुँचता कामयाबी से हम किनार नहीं होता असल में यसूद का जो लफ्ज़ है ये हुक्मरानी के माना में हाकिम के माना में इस्तेमाल होता है तो यानी वो हुक्मरान नहीं बन सकता जो हासद बंदा होता है जो हर वक्त दूसरों से हसद करता रहता है तो वो अली मरतबे तक नहीं पहुँच सकता तो अलसूद ला यसूद उसके बाद जी के ला तोअर तोिरमल्योम अलगत कि आज का जो काम है उसको कल तक मौखर ना करो उसके बाद जी के मन और हफ़रतन वक़ाफिया कि जो अपने भाई के लिए अपने भाई के लिए गड़ा खो देगा तो उसके अंदर वो खुद ही गिरेगा ठीक है जी और उसके बाद जी के अलया उलायर के हया किसी चीज़ का इंसान की शख्सियत में इजाफ़ा नहीं करती सिवाय अच्छाई का खैर का तो इसीलिए जो है ना हया के बारे में काफ़ी सारी आदेश बयान की गई हैं और जब हया ख़त्म हो जाती है तो फिर इंसान के लिए सब कुछ आसान है उसके बाद है जी कि जी सेवनटी सेवन पे हूँ मैं क़लीम में अच्छा जी उसके बाद है सेवनटी एट में है कि अलमजालस बिलमानात ठीक है जी मजालस बिलमाना हदीस में भी आया तो मजालस अमानत होती हैं सैदुल कौमी खादिमों कौम का जो सरदार होता है वो उस कॉम का क्या होता है ख़ादम होता है ये सारी अदीस हैं ये अक्सर जो जोलिबीन में दी गई हैं उन्हीं में से ही अद्दाला ख़ैर कफ़ाइली नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला ऐसे ही है जैसे वो खुद नेकी करने वाला है कि उसे उसका पूरा पूरा जर दे दिया जाता है और हाफिजन अलसद्दीक़ वउल हरक के जो है ना वो अपने दोस्त का साथ देना उसकी हिफाज़त करना अगरचे के किसी आग में ही क्यों ना हो ठीक है ना हरक जलाने को कहते हैं ना मुराद से आग है तो यानी कि जितनी भी सख्ती के हालात हों तो उसका साथ देना उसके बाद है जी आफ आफतम अनसीान की जो आफत है वो नसीान की बीमारी भूलना है ठीक है जी हम चीज़ों को पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे हम भूल जाते हैं मुख्तफ़ चीज़ों की आफत बतलाई हैं तो उसमें इलम की आफत नसी है और इसी तरह आफतुलमरूरा खलफलवाद, जो आपकी मरूरत होती है जो यानी इंसानी क़दरों की जो आफत है ताल्लुक़ की जो आफत है वो क्या है वो वादा खिलाफी करना है जब आप एक बार दो बार वादा तोड़ते हैं तो आप के फिर करीबी लोग आपसे जुदा हो जाते हैं उसके बाद है जी कि मन लानत कलीमत हो वजबत महबत हो कि जो बंदा भी अपने कलाम में नरमी इख्तियार करेगा ना लाना से ये लाना ये लीनू लीना नरम से मन लानत कलीमत वजह बत मोहब्बत हो कि जो अपने कलिमात में नरमी इख्तियार करेगा कलाम में नरमी लाएगा तो उसकी मोहब्बत वाजिब हो जाती है लोग ख़ुद ब खुद उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं उसके बाद है जी के मन का तमसर बाला का मुराद कि जो आ, यानी चीज़ों को यानी यहाँ सिर रहो से मुराद ये नहीं है कि आप इल्म, इल्म की बातें भी छुपाएँ और इस तरह बल्कि यहाँ सिर रहू से मुराद क्या है यहाँ पर सिर रहू से मुराद ये है कि जब आप अपनी तशहर नहीं करते और आप एक धीमे अंदाज से चलते रहते हैं तो आप अपनी मुराद तक पहुँच जाते हैं या अपने राज किसी को ज ना देना ये मुराद है यहाँ पर इसी तरह जी के न्यामलम अदब अदाह के सबसे बेहतरीन अदब सिखाने वाला अदब है वो कौन है वह ज़माना है कि ज़माना इंसान को सब कुछ सिखाता है वक्त के साथ साथ इंसान चीज़ों को सीखता चला जाता है और मन आज बबरा यही जो अपनी राय में अपने आप में ताजुब इख्तियार करता है अपने आप उजब पसंदी का शिकार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है गुमराह हो जाता है और रुब कलीमतिन सलबत न्यामा कितने ही कलीमत ऐसे हैं जो हमारी नेमतों को सलब करने का सबब बनते हैं ख़ास तौर तो पर क़़रान नियमत न शक्री के कलीमत तो वह क्या है हमारी नमत को हमसे छीन लेते हैं फ़िलहाल जलाती नदामा वफ़ानी असलामा कि जल्दबाजी के अंदर जल्द हमेशा नदामत उठानी पड़ती है और तानी तान आ तोफ़ और इसी तरह गौर व फ़िक्र तफ़क् तो जो उसके साथ चलता है बाद तफक् बाद तवक़ रुक के सोच समझ के कदम उठाता है तो वो सलामती में रहता है हिफाज़त में रहता है लात कन रत बन फ़तासर वला या बिसन फ़तक्से कि ना ही आप इतने जो है वो रतब हो जाएँ खजूर यानी प्रतव वो खजूर के जिसकी नचोड़ के शराब बनाई जाती है कि लोग आपको नचोड़ते फिरें और ना ही आप इतनी खुश्क या बस सन से मराजरबों की वो खजूर इतने खुश्क हो जाएँ कि लोग आपको एक मिनट में तोड़ दें तो यानि आप दरमिया कैफियत में ना लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो इतने ही उनके डुलने शुरू हो जाते हैं जैसे बाज़ लोग किसी पर ना ही इतना हो जाएँ कि लोग जो है वो आपसे अपने फ़ायदे और मतालब निकाल के निकल जाएँ और ना ही आप इतने सख्त ही हो जाएं कि बिल्कुल ही इंसान एक ऐसी सूरत आल में हो के जो बस वो फिर टूटे ही उसे मोड़ा ना जा सके उसे तो मोमिन जो होता है वो दरमिया कैफियत में होता है इसी तरह जी कि शहादत अफ़ाला ख़ैरुम बिन शहादत अकवाल ठीक है जी कि जो आप अपनी गुफ्तगु से कोई शहादत देते हैं उससे बेहतर यह आएगा अपने अमल से किसी चीज़ पर लोगों को कायल करें ज़ाहिरताब खैर उम बान गिरा कि जो यानी अगर आपको बाहिर कोई डांट देता है आपको डांट देता है आपके यानी कोई बात कह देता है ऊसा कर लेता है इताब कर लेता है तो वो बेहतर है इससे कि कोई बंदा अंदर गिरा बांध ले यानी गिरा लगाना यानी कहते हैं ना कि फलां ने तो अंदर से गिरा लगाई हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि यानी अंदर से वो किसी के साथ नहीं है उसके यानी ख़िलाफ़ है तो ये बेहतर है इससे किसी का बज़ाहिर डांट लेना वो बेहतर है इससे कि वो अपने अंदर आपके लिए कुछ मलाल मलाम मलाल रखे आंद अल इम्तहान यहाँ ये मशहूर है कि या तो इम्तहान के वक़्त या किसी की जो है वो इजाज़ो एजाजोक्राम किया जाता है या फिर उसकी आनत की जाती है उसके बाद है जी कल्बुलहमक फ़ीनफ़ी ही व लिसानाक़िलफ़ी कल्ब ही कि जो अहमक होता है तो उसका जो यानी उसका जो दिल है ना वो उसके मुँह में होता है ठीक है हर बात कहता चला जाता है और जो आकिल बंदा होता है तो वाली और उसकी जो जबान होती है वो उसके दिल में होती है यानी वो बहुत गहराई के साथ बोल रहा होता है तो ये भी मरूफ है फी उन बमाना मुँह के फू उन से इन नगल आताजनी शो के लाइन अब ये हो गया था कांटते चुनने वाला जो है अंगूर लेने वाला कांटों से नहीं बच सकता इसी तरह अंत तन फ़क्फरमाद यानी जब आप किसी ऐसे बंदे से उम्मीद लगा के बैठे हों कि जहाँ से कुछ मिलने वाला न या ये कि या आपकी किसी को ऐसी इस पर उभारें कि वो आपकी ख़ुद ही आप पे कीचड़ उछालने का सबब बने तो उस वक़्त कहा जाता है कि आपने जो है वो राख के अंदर फूंका है राख में फूंका है जो कि आपके कपड़े भी गंदे करेगी लातन फ़ुरु दुर या दुररामनाज़िर ये कहा जाता है उस वक़्त के यानी ये उस शख्स उस शख़्स के लिए कहा जाता है कि लिकदमनस लिमल ला फमो यानी उस बंदे को नसीहत करना जिससे कोई फ़ायदा नहीं तो यानी आप खनाजीर के आगे आपने मोती बखेर दिए, हैं तो अब ज़ाहिर है खनज़ीर को तो नहीं पता कि ये मोती है क्या है तो इस मौके पे कहा जाता है जब आप किसी कमीने शख़्स को कुछ ऐसा मरतबा ऐसी चीज़ नवाज दें कि जो उसको उसे उसका पता ही नहीं है उसे उसका हकी ही नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है क्या है तो उसको कहा जाता है कि ला तनफरदर अमाम अलखनाज़िर इसी तरह जब तक सईद फ़िया अरीसी अरीसी असद अरीस उस दरखत को कहते हैं ना जिसके जो है ना ये जंगल का खास दरत होता है जहाँ शेर अपनी पना बनाता है तो कहते हैं कि जो यानी तक ये सद के फ़लाँ बंदा जो है वो अपने शिकार को तलाश कर रहा है और वो भी शेर के घर के पास यानी यानी जब आप कोई काम कर रहे होते हैं इंतहाई ख़तरे की हालत में हाथ डाल लेते हैं ना तो उस वक़्त फिर यूँ कहा जाता है कि फ़लॉन उनद फ़ीरी सही हिला यानी वहाँ पर शरा दे जहाँ पर शेर का घर है तो वो आफत में आ जाएगा इस तस्मताम ठीक है जी इस यानी किसी चीज़ से समन का तलब करना तो यानी उससे तलब किया है जो कि पहले ही बेचारा किसी तकलीफ़ में ज़ावरम है वो उसको बीमारी लायक है फोड़ा है तो उससे जो है वो उसने समन का तलब किया है उस, उसको उससे घी निकालने के चक्रों में उस माना में बोला जाता है इसी तरह जी के अंत तजरब फ़ीदी दिन बार ठीक है जी कि तूने उसको मारा है फी हदी दिन बारी दिन ठंडे लोहे के साथ ठीक है जी कि उसको ठंडे लोहे के साथ मारा जहाँ मारा है जनि जब आप किसी काम के अंदर यानी किसी से बाहिर यानी हकीकी इंतकाम नहीं लेते बल्कि कोई दूसरी तरफ से कोई आप उसको नुकसान पहुँचाते हैं या यानी आप उसका कोई इस तरह का करते हैं कि उससे उसकी उम्मीद भी नहीं होती तो जंग के मैदान में नहीं आप सामने आते तो उस वक़्त ये कहा जाता है कि हुआ यहरी बुनी है फिर हदीदिन बार दिन उसने मुझे ठंडे लोहे के साथ मारे